YouTube चैनल। तो सबसे पहले जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको बहुत बहुत वेलकम। मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि फाउंडेशन थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, काली पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है बताओ ना। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो मेरा पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने बालों को ऐसे बांध लिया है पीछे ताकि मेकअप के टाइम मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे पहले मैं अपने फेस को वाइप करूँगी अच्छे से। फेस क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बाहर से आते हैं या बाहर से कोई भी काम करके आते हैं तो आपके फेस पे स्वेट होता है, ऑयल आ जाता है, सीबम आ जाता है, डर्ट आ जाती है, तो उसको सबसे पहले क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो फेस वॉश भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड स्टेप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए मैंने यूज़ किया है ये मैक का फिक्स प्लस हाइड्रेशन स्प्रे। तो इसको मैं जस्ट अपने फेस पे ऐसे स्प्रे करूँगी तो बहुत ही अच्छी सी हाइड्रेशन सी आ जाती है फेस पे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैक का स्ट्रोब क्रीम। ये एक्चुअली मुझे एक सैंपल मिला था मैक की तरफ से, तो मैं ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए छोटा सा मिनी सैंपल यूज़ करती हूँ। तो इसमें बहुत ही ना अच्छी एक शाइन सी है, तो आप जैसे ही बेस भी लगाते हो तो उसके बाद एक बहुत ही अच्छी ग्लासी सा इफेक्ट आता है, और इसके साथ हाइड्रेशन भी मिलती है और प्राइमर का भी काम करता है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि अंडर आई क्यों ग्रे हो जाते हैं, तो उसका ये आपको सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। ऐसा ऑरेंज करेक्टर ये आपको ऐसे पैलेट्स में भी मिल जाएगा और आपको ऐसे सिंगल्स में इंडिविजुअल्स में भी मिल जाएगा। तो ये ऑरेंज करेक्टर जो है हमें अपने जो भी जहाँ पे हमारी डिस्कलरेशन है और टैन एरिया है वहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं ये क्रायलॉन का यूज़ कर रही हूँ। तो एक साइड पे मैं ये क्रायलॉन का यूज़ करके बता देती हूँ और दूसरी तरफ मैं वो इंडिविजुअल जो है वो आपको यूज़ करके बता दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि दोनों कैसे यूज़ करने हैं। जस्ट ऐसे मैंने एक सिंपल सा ब्रश लिया है छोटा सा, उस पे मैंने ये लगाया है ऑरेंज कंसीलर, और उसको मैं अच्छे से जहाँ जहाँ पे मुझे मेरा टैन एरिया लग रहा है, जहाँ पे स्किन डार्क लगती है वहाँ पे मैं लगा रही हूँ। जैसे कि मेरा अंडर आई थोड़ा डार्क है, थोड़े से डार्क सर्कल है, वहाँ पे लगा रही हूँ। लिप्स के आसपास, नोज़ के ऊपर थोड़ा सा, जहाँ जहाँ पे भी मुझे थोड़े थोड़े मार्क भी लग रहे हैं डार्क वाले, उसको भी मैं अच्छे से करेक्ट कर रही हूँ ऑरेंज कंसीलर के साथ। जहाँ पे मुझे टैन लग रहा है मेरा एरिया, जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स लग रहे हैं वहाँ पे मैंने ब्लेंड किया है। मैक का NC25 ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है कॉम्पैक्ट जो है, तो इसको मैं कंसीलर के ऊपर लगाती हूँ। सबसे पहले तो वो इसलिए लगाती हूँ ताकि जो कंसीलर है ना वो सेट हो जाए। कई लोग ये प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं कि हमने तो करेक्टर भी लगाया था ऑरेंज, फिर फाउंडेशन के बाद फिर से वही प्रॉब्लम आई, तो उसका एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका जो कंसीलर है वो फाउंडेशन के साथ मिक्स हो गया है, निकल गया है जो आपने नीचे लगाया है। तो सबसे पहले कंसीलर को फिक्स करते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले कंसीलर को फिक्स किया है ताकि फाउंडेशन लगाने के बाद कल मेरा कंसीलर जो है वो निकल ना जाए। अब इसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी जो है मैक की फाउंडेशन, और शेड नंबर है NC20। कई लोग क्या करते हैं कि फाउंडेशन को सीधा अपना पाम पे लेके फिर यूज़ करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। उसके लिए आपको ऐसी एक स्टील पैलेट होनी चाहिए, नहीं तो आप किसी भी ऐसे कॉम्पैक्ट के पीछे भी उसको ले सकते हैं सैनिटाइज करके, कॉम्पैक्ट को अच्छे से क्लीन करके। तो मैंने स्टील पैलेट भी लिया है, और स्टील पैलेट पर लेके अब मैं उसको एक ऐसे फ्लैट ब्रश के साथ पूरा ऑल ओवर फेस के ऊपर लगा रही हूँ। ये मैक की लिक्विड फाउंडेशन काफ़ी हाई कवरेज फाउंडेशन है, इसके साथ काफ़ी हाई कवरेज मिल जाती है। तो ऑलरेडी हमने कंसीलर तो नीचे लगाया ही हुआ है, तो उसके ऊपर जस्ट हमको ऐसे डैम डैम करके ब्रश के साथ ऐसे फाउंडेशन अप्लाई करने हैं ताकि नीचे से जो कंसीलर है वो निकल ना जाए। कई लोग फाउंडेशन को ड्रैग भी करते हैं ब्रश के साथ लगाने के टाइम, या फिर स्पॉन्ज के साथ लगाने के टाइम ना उसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, साइड्स की तरफ ड्रैग कर करके लगाते हैं, तो उस वो भी एक रीज़न हो सकता है कि जो आपने कंसीलर लगाया है वो निकल गया है नीचे से। एक चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि चाहे आप अपनी फाउंडेशन ब्रश के साथ अप्लाई कर रहे हो या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अप्लाई कर रहे हो, हमेशा डैब डैब करके ही उसको यूज़ करना है। सबसे लास्ट पे मैं अपने आईज़ के अराउंड करती हूँ, क्योंकि पूरा फेस करने के बाद ही आईज़ पे, क्योंकि आईज़ के ऊपर क्या होता है कि होता है जल्दी लाइंस विजिबल होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसके लिए पूरा फेस कवर करने के बाद ही लास्ट पे मैं अपने आईज़ करती हूँ। अगर मैं अपनी आईज़ के नीचे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाऊंगी तो बहुत ही जल्द मेरी आईज़ के नीचे क्रीजिंग होनी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कि लाइंस दिखनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए बहुत ही कम प्रोडक्ट जो है वो अपने आईज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ।
ब्लेंड करने के लिए मैं फॉरएवर 52 का जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा डैम कर लिया है, थोड़ा सा टैप के नीचे गीला करके उसको अच्छे से स्क्वीज करके सारा पानी निकाल के उसको ऐसा जो डैम ब्यूटी ब्लेंडर है उसके साथ में पूरे जो अपना फाउंडेशन लगाया है उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग करते टाइम मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि छोटे छोटे जो एरियाज हैं, छोटे छोटे कोने, जैसे नोज़ के अराउंड, अंडर आई हो गया, नेक एरिया या फिर कानों के ऊपर, अच्छे से मैं सारा इवनली लगा दूँ ताकि कोई भी पार्ट अलग से ऐसा दिखे नहीं। अब मैं करूँगी हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग के लिए मैं ये रेवोल्यूशन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ी सी लाइटनिंग चाहिए हाईलाइट करने मुझे वो वाले पार्ट, वहाँ वहाँ पर मैं ये वाला कंसीलर यूज़ कर। ऐसा एक फ्लैट ब्रश लिया है जिसकी हेल्प के साथ मैं जो भी मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अंडर आई एरिया को ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर मैंने ये कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड नहीं किया ना तो थोड़ी देर के बाद ही जो क्रीज़ है वो पड़नी शुरू हो जाएगी, मतलब कि लाइन्स ही विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अंडर आई पर मैं बहुत ही कम प्रोडक्ट लगाऊँ और उसको अच्छे से ब्लेंड करूँ। तो अभी मैं कॉन्टोरिंग करूँगी। कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ये डार्क शेड यूज़ किया है। डार्क शेड को मैंने जो अपने चीक बोन्स हैं उनसे थोड़ा सा नीचे लगाया है पाउट करके, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा शार्प चाहिए था फेस, और उसको ब्लेंडर की हेल्प के साथ मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। अभी मैंने एक छोटा ब्रश लिया है क्योंकि हमने नोज़ को कंटोर करना था, तो नोज़ के एक छोटे एरिया को कंटोर करने के लिए छोटा ब्रश चाहिए, और छोटे ब्रश के साथ मैंने जो डार्क शेड है वो लगा लिया है अपने जॉ लाइन को भी शार्प करने के लिए, और जो मेरा थोड़ा सा ब्रॉड है फोरहेड उसको भी कंटोर करने के लिए, और अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या क्रीम कॉन्टोरिंग करना ज़रूरी होता है, तो मैं उनको बता दूं कि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शार्प फीचर चाहिए तो आप कॉन्टोरिंग पहले क्रीम के साथ करके फिर पाउडर के साथ करें, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही नेचुरल सा लगे, बहुत ही कम दिखाना चाहते हैं, तो आप सिंपल पाउडर कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रीम कॉन्टोरिंग की वैसे ही मैं क्रीम ब्लशिंग भी करूंगी। O2O का ये क्रीम ब्लशर है जिसको मैं सेम फाउंडेशन वाली स्टील पैलेट पे लेके एक फ्लैट ब्रश की हेल्प के साथ अपने चीक्स पे लगाऊंगी, और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे एक नेचुरल सा ब्लश जो है वो अच्छा लगता है। सेम कॉम्पैक्ट ले लिया है मैंने, तो अब बारी आती है फाउंडेशन को पैक करने की। तो मैं एक ऐसा छोटा ब्रश ले रही हूँ ताकि मैं सबसे पहले छोटे कोनों को पैक कर लूँ, जैसे कि अंडर आई एरिया, नोज़ एरिया, लिप्स के अराउंड, तो वो वाले एरिया को पहले कॉम्पैक्ट के साथ मैं पैक कर लूँगी। जिस एरिया पे मैंने क्रीम कॉन्टोरिंग एंड क्रीम ब्लशिंग की है वो एरिया पे मैं कॉम्पैक्ट नहीं लगा रही हूँ। अभी पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ये के ब्यूटी का लिया है ब्रॉन्जर, जिसका शेड नंबर है 190 एंड डीप, और इसको एक एंगुलर ब्रश की हेल्प के साथ मैं जहाँ जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग क्रीम कॉन्टोरिंग की थी बस वही वही एरिया पे मैं अभी पाउडर कॉन्टोर भी कर रही हूँ। छोटा ब्रश लिया है मैंने क्योंकि मैंने अब अपना नोज़ कॉन्टोर करना है, तो ऑब्वियसली जो भी छोटा एरिया होता है जहाँ पे भी हमने बारीकी से काम करना है वहाँ पे छोटे ब्रश के साथ करना है। अभी पाउडर ब्लश लगा लेते हैं, तो उसके लिए ऐसा फ्लफी ब्रश लिया है और रेवोल्यूशन का मैंने ये शेड लगाया है ब्लशर के लिए, और जहाँ पे अगर आपको जैसा भी शेड चाहिए, आपको ब्रॉन्जर में चाहिए, पीच में चाहिए, पिंक में चाहिए, आई प्रेफर पिंक, तो इसलिए मैंने पिंक में ब्लशर लगाया है। अब फटाफट से हाइलाइटर लगा लेते हैं। हाइलाइटर मेरा फेवरेट है माइग्लैम का। माइग्लैम की ऐसे 3-in-1 पैलेट है, तो उसमें से मैंने ये वाला हाइलाइटर लिया है। एंड वाला जहाँ जहाँ पे आपको ग्लो पसंद है, जो जो एरिया पे आपको शाइन चाहिए वहाँ पे भर भर के हाइलाइटर लगाओ। लो जी, डन हो गया बेस, और अब इसको फिक्स कर लेते हैं फिर से मैक के फिक्स प्लस के साथ, एंड डन।
तो ये थे कुछ आसान से इजी से स्टेप जिनकी हेल्प के साथ आप एक परफेक्ट बेस रेडी कर सकते हैं। और अब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चुटकी बजाते ही मैंने अपनी आईज एंड लिप्स भी डन कर लिए हैं, तो ये मैंने कैसे किए हैं इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा ये वीडियो। और अगली वीडियो के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चनिंग हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय।